एक शहर में नैतिक नाम का आदमी अपनी पत्नी अक्षरा के साथ रहता था। नैतिक बहुत गरीब था। नैतिक खेती करके अपने घर का गुजारा करता था। वही अक्षरा भी घर घर का काम करती। एक दिन नैतिक की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। फिर अक्षरा नैतिक को हॉस्पिटल ले जाती है। अब डॉक्टर अक्षरा से कहते हैं, आपके पति की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और इलाज करने के लिए बहुत पैसे लगेंगे। उसके बाद अक्षरा डॉक्टर से कहती है, आप डॉक्टर इलाज शुरू करिए, मैं थोड़ी देर में पैसे जमा करा दूंगी। ये सुनकर डॉक्टर नैतिक का इलाज शुरू कर देते हैं। अब अक्षरा परेशान होती है और मन में सोचती है, मैंने बोल तो दिया है डॉक्टर से पैसे के लिए, लेकिन मैं इतने पैसे कैसे इकट्ठा करूंगी। अब अक्षरा पास की एक दुकान पर जाती है और वहाँ कहती है, भाई कोई काम मिलेगा, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है और उनके इलाज को पैसे चाहिए। ये बात सुनकर दुकानदार को अक्षरा पर दया आ जाती है और वो अक्षरा को काम पर रख लेता है। अब अक्षरा काम करके दुकानदार से पैसे लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। कुछ दिन बाद नैतिक ठीक हो जाता है। अब अक्षरा और नायरा बहुत खुश होती है। नायरा की भी पढ़ाई पूरी हो जाती है। तभी नैतिक अक्षरा से कहता है, नायरा अब बड़ी हो गई है, क्यों ना इसके लिए लड़का देख लें, वैसे भी कब तक की है जिंदगी हमारी, जल्द ही नायरा अपने घर की हो जाए। उसके बाद नायरा की बुआ नायरा के लिए कार्तिक नाम के लड़के का रिश्ता लाते हैं और नायरा का रिश्ता कार्तिक से हो जाता है। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब नायरा और कार्तिक की शादी एक दिन करीब आ जाती है। अचानक से पूरे शहर में लॉकडाउन लग जाता है क्योंकि पूरे शहर में कोरोना की बीमारी फैल गई थी। अब लोग बहुत परेशान रहने लगे। वहीं नैतिक अक्षरा भी बहुत परेशान हो गए। अक्षरा नैतिक से कहती है, सुनिए जी, नायरा की शादी करीब आ गई है और पूरे शहर में लॉकडाउन लग गया है, अब हम नायरा की शादी का खर्चा कैसे उठाएंगे। ये सोचकर नैतिक और अक्षरा बहुत परेशान हो जाते हैं। अब नायरा अपने मम्मी पापा को देखकर परेशान हो जाती है। नायरा अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ है और आप लोग मेरी शादी को लेकर कितने परेशान हैं, क्यों ना मैं हॉस्पिटल में जॉब कर लूं, वहाँ से कुछ पैसे मिल जाएंगे। फिर अक्षरा कहती है, नहीं बेटा, तेरी शादी होने वाली है, हम जैसे तैसे करके दिन काट लेंगे। उसके बाद नायरा अक्षरा से बहुत जिद करती है और अक्षरा उसे जॉब करने के लिए हाँ कर देती है और नायरा से कहती है, बेटा अपना ध्यान रखियो। अगले दिन नायरा हॉस्पिटल में काम करती है। वो लोगों का अच्छे से ध्यान रखती है और सभी पेशेंट नायरा से बहुत खुश रहते हैं और डॉक्टर नायरा के काम को देखकर नायरा से कहते हैं, नायरा बेटा तुमने तो बहुत अच्छे से काम संभाल लिया है। फिर नायरा अपनी नौकरी से धीरे धीरे शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर लेती है। अचानक से नायरा की तबीयत खराब हो जाती है। तभी कार्तिक की दादी अक्षरा के घर आती है और उससे कहती है, मैं नहीं कर रही तेरी बेटी से शादी, क्योंकि तेरी बेटी को अब कोरोना हो गया है और फिर हमें भी हो जाएगा। ये सुनकर नायरा को बहुत बुरा लगता है। फिर कार्तिक अपनी दादी से कहता है, दादी अब मैं नायरा से प्यार करता हूँ और नायरा बहुत अच्छी लड़की है, हम नायरा का अच्छे से इलाज करवाएंगे और नायरा ठीक हो जाएगी। ये सुनकर नायरा और अक्षरा बहुत खुश होती हैं। लेकिन नायरा कार्तिक से कहती है, कार्तिक तुम दूसरी जगह शादी कर सकते हो, मैं तो वैसे भी अब बीमार हो गई हूँ। फिर कार्तिक कहता है, नायरा तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हारा बाहर इलाज करवाऊंगा, वहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, वो तुम्हें जल्दी ठीक कर देंगे। उसके बाद कार्तिक नायरा को बाहर हॉस्पिटल ले जाता है और नायरा वहाँ ठीक हो जाती है। फिर कार्तिक और नायरा बहुत खुश होते हैं। उसके बाद कार्तिक और नायरा की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। दोस्तों आज का सवाल है कि नायरा कहाँ काम करने जाती है, तो जल्दी से अपना जवाब हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। देखते हैं सबसे पहला जवाब कौन देता है। जो सबसे पहले जवाब देगा उसका नाम अगली वीडियो में घोषित किया जाएगा। तो जल्दी से अपना जवाब हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए और यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी का आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में।